ডেক বিনা ব্রেক ডাউনলোড টাক অ্যাপ कश्मीर से 370 हटाए जाने का विरोध करने वाले मलेशिया को भारत ने सबक सिखाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल का आयात बंद करने का बड़ा फैसला किया है। भारत हर साल करीब 9 लाख टन पाम ऑयल आयात करता है। साल 2019 में करीब 5 लाख टन ऑयल मलेशिया से आयात किया गया था, लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाला मलेशिया मोदी सरकार को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भारत का विरोध किया था, तब भारत के विदेश मंत्रालय ने मलेशियाई राजदूत को बुलाकर साफ कर दिया था कि भारत इसे आंतरिक मामलों में दखल मानता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार को पाम ऑयल रिफाइनरीज के संचालकों को मौखिक तौर पर मलेशिया से आयात बंद करने को कहा गया। मलेशिया को GDP का 2.8% पाम ऑयल एक्सपोर्ट से ही प्राप्त होता है। ये उसके कुल निर्यात का 4.5% है। भारत के इस फैसले के बाद फिलहाल मलेशिया की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।